शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम देखेंगे बोलीविया के पठार के मैप के बारे में डिटेल में जानकारी। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो बोलीविया कंट्री है ये कौन कौन से देशों के साथ में घिरा हुआ है। डायरेक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ में, ठीक है, काफ़ी बड़ा जो इसका हिस्सा है ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ तक ब्राज़ील के साथ में अपनी ये बाउंड्री शेयर कर रहा है पूरा एरिया। नीचे की तरफ यदि आप जाओगे पूर्व और साउथ की तरफ में, तो पराग्वे के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ये देख सकते पराग्वे। साउथ की तरफ चले जाएंगे तो अर्जेंटीना के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और वहीं यदि हम पश्चिम और दक्षिण की तरफ में जाएंगे तो चिली के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। ऊपर की तरफ हम जाते हैं नॉर्थ और पश्चिम की तरफ में, तो नॉर्थ वाले हिस्से में पेरू के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। बोलीविया के पश्चिम वाले हिस्से में पड़ जाता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पूर्व की तरफ पड़ जाता है ब्राज़ील, नॉर्थ की तरफ में भी ब्राज़ील फैला हुआ है। नीचे की तरफ पूर्व और दक्षिण की तरफ पराग्वे है, साउथ में अर्जेंटीना है, साउथ और पश्चिम में चिली है, और नॉर्थ और पूरब की तरफ में है पेरू, ये देख रहे हैं। हम देख चुके हैं कि कौन कौन से कंट्री के साथ में ये बाउंड्री को शेयर करता है। अब यहाँ पर समझने की आप कोशिश करिए, दो कलर यहाँ दिखाए गए हैं। एक तो एकदम डार्क ग्रीन एरिया है, डार्क ग्रीन का मतलब एरिया है वो काफ़ी हाइट वाले एरिया हैं, जैसे कि माउंटेनियस एरिया, एंडीज माउंटेन, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से ये लंबा लंबा फैला हुआ है। और यहीं पर एल्टीप्लानो स्थित है, जिसको हम बोलीविया का पठार भी बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये है बोलीविया के पठार का, ये इसकी कैपिटल है लापलाज। इसी के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसके प्रमुख फैक्ट हैं। बोलीविया के एल्टीप्लानो के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका मतलब होता है हाई प्लेटू, इज सैंडविच्ड बिटवीन कॉर्डिलेरास, ठीक है। इसको सैंडविच्ड किया गया है दो ठो कॉर्डिलेरा के बीच में, मतलब कि इंसर्ट किया गया है। हमने देखे ना, दो ठो पर्वत श्रृंखला थी, पर्वत श्रेणी थी, उसके बीच में इसकी लोकेशन थी। वंस जस्ट डीप वैलीज और रिफ्ट, जिसको कहते हैं बिटवीन थ्री माउंटेन रेंजेस, तीन माउंटेन रेंज के बीच में हमें एक वैली दिखाई देती है। ओवर इयोन ऑफ द टाइम, इयोन वाला जब एरा चल रहा था उस टाइम में ये एरिया फिल्ड हो गया विथ सेडिमेंट्री डेब्रीज, मतलब कि नदी के अवसाद के द्वारा बहा बहा करके इस एरिया को भर दिया गया। डेब्रीज वॉश डाउन फ्रॉम द सराउंडिंग पीक्स। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट बताया जा रहा है निवेडो सजमा, 21,463 फीट इसकी हाइट बताई जा रही है। और यदि हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें, पराग्वे रिवर है 230 फीट, मतलब 70 मीटर। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन आ जाता है टिटिकाका लेक, ठीक है। टिटिकाका लेक काफ़ी फेमस झील है जियोग्राफी के हिसाब से। तो लेक टिटिकाटक की लोकेशन है वेस्ट वाले पार्ट में, मतलब कि बोलीविया के पश्चिम वाले हिस्से में ये झील स्थित है। मैप में भी हम इसको देख लेते हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं एंडीज माउंटेन दिखाया गया है, यहीं पर ये दिखाया गया है टिटिकाका झील को। तो कुछ हिस्सा इसका पेरू में भी आ जाता है, कुछ हिस्सा इसका इधर से भी लगा हुआ है। चूँकि पीआईबी में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए आज हम खबरें दा हिंदू से ही देखने वाले हैं। पहली खबर हमारी रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के है, तो हम इन्फ्लेशन की पूरी पूरी जानकारी आज पहले देखेंगे, इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। इन्फ्लेशन, जिसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं हम महंगाई, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है या फिर जब भी महंगाई होती है, इसका मतलब ये है आपके पास आपकी जेब में जो रुपए रखा है उसकी वैल्यू घट गई है। कैसे घट गई है? मान के चलो आज से
6 महीना पहले या फिर 1 साल पहले की हम बात करें तो 100 रुपये में लगभग लगभग आपको 1.5 लीटर पेट्रोल लग जाता था। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि 100 रुपये में मात्र 1 लीटर ही पेट्रोल आ रहा है। इसका मतलब ये है यदि हमें 1.5 लीटर पेट्रोल चाहिए तो हमें 100 से ज़्यादा रुपये की ज़रूरत है, लगभग 150 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 100 रुपये हैं उसकी वैल्यू घट गई है। यही कंडीशन होती है इन्फ्लेशन के मामले में। पहला फैक्ट इसका यही है, जब भी इन्फ्लेशन होगा उस टाइम में मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। इन्फ्लेशन हम कब कहेंगे? केवल एक वस्तु के दाम में यदि वृद्धि हो रही है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। बहुत सारी वस्तुओं के दाम में जब एक साथ वृद्धि होती है उस कंडीशन को इन्फ्लेशन माना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, इन्फ्लेशन दोनों तरह का होता है। एक वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी भी हो सकती है और वस्तुओं के मूल्य में गिरावट भी हो सकती है। इसको मेजर करने के लिए 2 प्रकार के इंडेक्स अपनाए जाते हैं। पहला है WPI और दूसरा है CPI। WPI का मतलब है, ये इंडेक्स बताता है कि थोक मार्केट में वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। वहीं CPI की बात करें तो ग्राहक के लेवल पर, आप मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो ग्राहक के लेवल पर जब वस्तुओं के मूल्यों का पता लगाया जाता है उस समय CPI इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के बढ़ने के यहाँ पर 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कि डिमांड का बढ़ जाना और दूसरा कारण बताया गया है कि सप्लाई का घट जाना। जब भी कभी डिमांड बढ़ती है और वस्तुओं की संख्या कम हो जाती, उस समय उनके दाम हाई हो जाते। जैसे कि प्याज के दाम जब बढ़ते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, प्याज कम है लेकिन लोगों की डिमांड ज़्यादा, सबको प्याज चाहिए, लेकिन प्याज की जो संख्या वो तो थोड़ी सी ही है ना, तो किसको किसको प्याज दें, इसीलिए क्या है ना, प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। तो 2 ही कारण इसके बताए जाते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है, उस कंडीशन में इन्फ्लेशन होता है। एक फैक्ट और है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब हम नॉर्मली यही लगाते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई, लेकिन एक जो इसका अर्थ है उसको भी आप ध्यान रख लीजिए। इन्फ्लेशन का मतलब ये भी होता है कि मार्केट में नोटों की संख्या बढ़ गई है। नोटों की संख्या मतलब मार्केट में मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा हो गई है, इसको भी इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस कंडीशन में RBI मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, बैठ के करता है और डिसाइड करता है कि हमें बैंक के ब्याज की दर कितनी रखना है, कितना पैसा बैंकों का अपने पास हमें रखना है। जैसे कि कुछ हिस्सा RBI बैंकों को कहता है, हमारे पास आप रिजर्व करके रखिए, जब कभी भी कोई बुरी कंडीशन आए तो ये पैसा आपके काम में आएगा। जब भी इन्फ्लेशन होता है तो RBI अपने पास ज़्यादा पैसा रखने को कहता है बैंकों की, आप ज़्यादा पैसा रखिए। दूसरी बात यह है, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, तो मान लीजिए ये SBI है और ये RBI है। ठीक है, SBI जाता है RBI के पास में और RBI से पैसे उधार लेता। इसके लिए RBI उसके ऊपर ब्याज दर रखेगा कि हाँ मुझे इतने परसेंट आपको ब्याज दर देना पड़ेगा तब हम आपको मनी देंगे। एक कंडीशन ये हो गई, इसको कहते हैं हम रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट यदि कम है, मतलब RBI यदि ब्याज दर कम कर रहा है, तो SBI ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लोन बांटने का काम करेगा। वहीं यदि RBI इसको हाई कर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि अब बैंक RBI से लोन लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको ब्याज की दर ज़्यादा पड़ जा रही है। तो RBI क्या काम कर देगा, रेपो रेट को घटा देता है। ठीक है, घटाने से क्या होगा,
बैंक अपने पास पैसे ज़्यादा जमा करेंगे, लेकिन यदि इन्फ्लेशन की कंडीशन हो रही, चूंकि मार्केट से पैसा खींचना है ना, पैसा खींचना है, इसके लिए रेपो रेट को भी वो बढ़ा देगा, मतलब कि 4 थी तो अब 5% कर देगा। अब 5% हो गई है तो बैंक सोचेंगे अब ब्याज की दर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इसलिए हम अब बैंक RBI से लोन नहीं लेंगे। और हाल ही में RBI ने जो उपाय किए हैं वो भी इसी टाइप के थे। पहली बात, उसने ये काम करा कि बैंकों को बोल रहा है आप हमारे पास ज़्यादा मनी को जमा करके रखिए, और दूसरी बात ये, आप अब हमसे ब्याज या हमसे लोन लेना कम कर दीजिए क्योंकि हमने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इन्फ्लेशन के प्रकार को हम देख लेते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस, वस्तुओं के मूल्य में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है उस हिसाब से इन्फ्लेशन को बांटा जाता है, और इसके अलावा हम बांटते हैं किस कारण से इन्फ्लेशन हो रही है। डिफरेंट इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ राइज इन प्राइस, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के हिसाब से कौन कौन से टाइप में इसको बांटा गया है उसको देखते हैं। पहला होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, प्राइस राइज एट वेरी स्लो, रेट कितना रहेगा, लेस देन 3%, 100 रुपये में मात्र 3 रुपये की ही बढ़ोतरी हो रही है, वो कहलाती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लाइक दैट ऑफ स्नेल और क्रीपर इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि जो स्नेल रहता है एकदम धीरे 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 चलता है, ठीक उसी प्रकार से इट इज़ रिगार्डेड सेफ एंड इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और इतना मनी तो मार्केट में होना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो चलती रहे। सेकेंड नंबर पे आ जाती है वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, पहले आप रेंग रहे थे अब आप पैदल चलने लगे। प्राइस राइज मॉडरेटली एट द रेट ऑफ 3 से लेकर के 7% या फिर लेस देन 10% इज कॉल्ड वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत 3 से 7% तक, मतलब 10% से नीचे ही इन्फ्लेशन रहती है, उसको हम कहते हैं वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। ये एक प्रकार से हमारे देश को वार्निंग होती है, एक सिग्नल है गवर्नमेंट को कि आप तैयार हो जाइए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इफ़ द इन्फ्लेशन क्रॉसेस दिस रेंज इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन द इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल, इसका असर बहुत बुरा पड़ने वाला है यदि रोका नहीं गया तो। तीसरे नंबर में होती है रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज रैपिडली लाइक द रनिंग ऑफ ए हॉर्स एट ए रेट ऑफ 10 से 20%, घोड़े के जैसे महंगाई बढ़ रही, घोड़े जिस प्रकार से एकदम स्पीड में दौड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से इट अफेक्ट द इकोनॉमी एडवर्सली, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कहाँ पर, श्रीलंका की कंडीशन। हाइपर इन्फ्लेशन जिसको रनवे और गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, इसके तीनों नाम हमें याद रखना, हाइपर इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन जिसको गैलोपी इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, इसमें कीमत 20 से 100% तक बढ़ जाती है, सोच सकिएगा 100% तक वृद्धि हो सकती और इससे ज़्यादा भी। इस कारण हाइपर इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सच ए सिचुएशन ब्रिंग्स टोटल कोलैप्स ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम, हमारा जो मौद्रिक सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, क्योंकि हमारी जो मनी है उसकी परचेसिंग पावर पूरी तरह से डाउन हो जाती है। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेशन है कारण के हिसाब से, कौन कौन से कारण से हो रही, जैसे कि पहला जो कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का है, डिमांड के कारण इन्फ्लेशन हो रही, डिमांड बढ़ गई है और वस्तुएं कम हैं, इस कारण से वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, वेज लोगों की सैलरी बढ़ गई है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन की तरफ ले करके जाती, क्योंकि यदि कोई भी कच्चा मटेरियल का कीमत यदि बढ़ गया तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट की भी कीमत ऑलरेडी बढ़ना ही है। फिर तो बोथ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आर अफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। न्यूज़ में जो चीज़ आई है वो CPI और WPI को लेकर के हैं, तो WPI
प्रोड्यूसर के लेवल पर महंगाई को बताता है और सीपीआई कैप्चर करता है चेंजेस इन प्राइसेस लेवल एट द कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर के लेवल पर वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को सीपीआई नापता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विस विच सीपीआई डज। सीपीआई में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि और सेवाओं के दामों में भी वृद्धि को नाप लेता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई ये नहीं नाप सकता। इन डब्ल्यूपीआई मोर वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जबकि सीपीआई में मोर वेटेज इज गिवन टू फूड आइटम। डब्ल्यूपीआई में जो वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा दिया जाता है और सीपीआई में फूड आइटम को ज़्यादा दिया जाता है। न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा क्विक हो गई है टू एन ऑलमोस्ट 8 ईयर हाई 87.8%। पिछले 8 साल की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा हाई है 7.8% रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से नापते हैं। ग्राहक के लेवल पर ये वस्तुओं के दामों को बताती है। अप्रैल सीपीआई इन्फ्लेशन स्पर्ड बाय हायर फ्यूल फूड कॉस्ट विथ सीएपीआई रेसिंग 88.4%। सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ गई है क्योंकि फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं, फूड की कॉस्ट बढ़ गई है विथ सीएपीआई रेसिंग 8.4%। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेटो से रिलेटेड। तो नेटो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, 4 अप्रैल 1949 को 12 नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन नेशन ने साइन किए थे, नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी वाशिंगटन डीसी में। इन्होंने क्रिएट किया था एक मिलिट्री अलायंस को, मिलिट्री संगठन को, दैट वुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका एक ही उद्देश्य है, एक देश पर यदि हमला है इसका मतलब सब देश पर हमला हुआ है और सब देश मिलकर के उसका साथ देंगे। इन द ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन नाटो हैज़ बीन एट forefront of some of the most significant movement in global politics from the cold war to war of terror। नेटो की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो नेटो को फाउंड किया गया था 1949 में, एक प्रकार से साधन या फिर हथियार बनाया गया था डिफेंस का अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। द ट्रिटी दैट एस्टेब्लिश नेटो वॉज साइंड बाई 12 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। 12 मेंबर देश थे उस टाइम में जिसमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल थे। तो आखिर क्यों इसका गठन किया गया, तो मेनली उस टाइम में रसिया जो कि सोवियत यूनियन हुआ करता था उसको काउंटर करने के लिए ही इसका गठन किया गया था। द गोल ऑफ नाटो इज टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना एमंग इट्स मेंबर बाय प्रोवाइडिंग ए फोरम ऑफ कंसल्टेशन। इसके लिए वो कंसल्टेशन करेगा, कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा एंड जॉइंट एक्शन करेगा। नेटो हैज़ बीन सक्सेसफुल इन दिस मिशन हेल्पिंग टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन यूरोप फॉर मोर देन 60 ईयर। उसके लिए लगभग उसको सफल भी माना जाता है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया गया है कि जो फिनलैंड के लीडर हैं ना, वो फेवर कर रहे हैं सीकिंग नेटो मेंबरशिप। इसके लिए उन्होंने अपनी जनता में वोटिंग भी करवाई थी और वोटिंग नेटो के फेवर में गई थी। वहाँ की पब्लिक चाहती है कि हमें नेटो का मेंबर होना चाहिए। देखिए, माना जाता है फिनलैंड ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसका एरिया है उस हिसाब से यहाँ की मिलिट्री बहुत मजबूत है, ख़ास करके उस टाइम से जब सोवियत यूनियन का ये पार्ट हुआ करता था और सोवियत यूनियन ने इसके एक शहर में कब्जा कर लिया था और वो अभी तक रशिया ने वापस नहीं करा है इसको। इसलिए अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए, यूक्रेन में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए, फिनलैंड चाहता है कि हम नेटो का मेंबरशिप लेने वाले हैं या फिर लेना चाहते हैं। वहीं रशिया की तरफ से प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, वो चाह रहा है कि नाटो फिर से हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा। देखिए, यदि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो नाटो की पावर कुल मिलाकर के बढ़ने ही वाली है और नाटो मेन रूप से बनाया गया था
रसिया को काउंटर करने के लिए। तो यही है इसकी मेन बात है। इसके बाद वाली न्यूज़ साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं यूनिवर्स में ब्लैक होल से रिलेटेड। तो ब्लैक होल एक प्रकार का डेंस पार्टिकल होता है, वो इतना ज़्यादा सघन है, इतना ज़्यादा उसका ग्रेविटी है कि वहाँ से प्रकाश भी होकर के गुजरता नहीं है, और जितनी भी चीज़ें उसके आइट साइड से गुजरती हैं, अब चूँकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो आसपास से जितनी भी चीज़ें उसके गुजरेंगी वो सबको अपनी पर अपनी तरफ खींचते जाता है, अपने अंदर लेते जाता है। इसको आप देख नहीं सकते हो कैसा दिखता है, कैसे इसकी शेप है, क्योंकि प्रकाश यहाँ पर पड़ता ही नहीं है। कोई भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब प्रकाश उस वस्तु में पड़ता है, टकराने के बाद हमारी आंखों में वो पड़ता, तब हम वस्तु को देख पाते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं पाती, क्योंकि ब्लैक होल तक प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र होते हैं जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन भी नहीं होता। इस अवधारणा को 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रमाणित किया गया था, लेकिन ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने 1960 के दशक के मध्य में किया था। नॉर्मली ब्लैक होल की दो श्रेणी रहती है। फर्स्ट श्रेणी एक ऐसे ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान, मतलब एक सौर द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, 10 सौर द्रव्यमान के बराबर, मतलब 10 गुना उसका द्रव्यमान है सूरज से। बड़े पैमाने पर तारों की समाप्ति पर ये बनते, जब मतलब तारे समाप्त, जब उनकी डेथ होती तब ये बनते। अन्य श्रेणी में आ जाते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये जिस सौर मंडल में पृथ्वी है उसके सूर्य से भी अरबों गुना बड़े, अभी हमने 10 गुना बात करे थे, अब लेकिन अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। इवेंट होरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2019 में ब्लैक होल की एक पहली छवि, पिक्चर जिसको बोलते हैं, अधिक सटीक रूप से जारी करी थी। इवेंट होरिजन टेलीस्कोप विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप, अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टेलीस्कोप का एक ग्रुप है। तो केवल एक से नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर के, बहुत सारे टेलीस्कोप मिलकर के उसका पिक्चर बनाते हैं। न्यूज़ की तरफ चलें तो बताया जा रहा है इवेंट होरिजोन, जिसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा करे थे कि एक प्रकार का टेलीस्कोप है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं इसमें, मिलकर के पिक्चर लेते हैं। इसने रिवील्स किया है ट्रू कलर्स ऑफ SGRA, ये एक ब्लैक होल का नाम है, इसने इसके सही सही कलर का पिक्चर लिया है, और ये पिक्चर आप देख सकते हैं। रेयर स्नैप ही आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ द रिंग शेप्ड, किसके जैसा है, रिंग मतलब छल्ले के जैसा है, सेगिट्रस ए स्टार इसका नाम रखा गया है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप, वैज्ञानिक लोग जो कि इस टेलीस्कोप में काम कर रहे थे, 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड सिमुलटेनियसली 8 सेवरल सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन थर्सडे, कई सारे कॉन्फ्रेंस इन्होंने आयोजित किए थर्सडे पर, और ये पता लगाया है कि हमें फर्स्ट इमेज देखने को मिली है ब्लैक होल की एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। ये कहाँ पर स्थित है, हमारे मिल्की वे में स्थित है। द इमेज ऑफ सेगिट्रस ए स्टार, जिसको SGRA स्टार बोलते हैं, गेव फर्दर सपोर्ट टू द आइडिया दैट द कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज इंडीडेड ए ब्लैक होल। ये कन्फर्म हो गया है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल स्थित है। स्ट्रेंथनिंग आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इससे आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है वो कन्फर्म हो जाता है। पहली बार 2019 में इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप फैसिलिटी ने कोलेब्रेशन किया 300 रिसर्चर के साथ में, इतिहास रच दिया था, रिलीज किया था पहली अभी तक की इमेज ब्लैक होल की, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक इसमें भी सफल रहे हैं, उन्होंने पहली इमेज दिया था, नाम रखा था ब्लैक होल का M87 स्टार, द ब्लैक होल एट सेंटर ऑफ द गैलेक्सी मेजर 87, ये इसकी लोकेशन थी मेजर 87 गैलेक्सी के बीच में, विच इज सुपर जाइंट एलिप्टिक गैलेक्सी, जो कि सुपर जाइंट एलिप्टिक गैलेक्सी मानी जाती है। जिस टेली
स्कोप से इसको पता लगा है, उसके बारे में बताया जाता है कि 3 मिलियन गुना शार्प है हमारी आंखों से ये टेलीस्कोप, इसलिए इसको पकड़ पाई है। सैगिट्रस ए स्टार इज 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम अस, हमसे 27,000 प्रकाश वर्ष ये दूर है। लंबी दूरियों को, खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है। लाइट ईयर जो है दूरी का मात्रक है, 9.46 × 10³³ किलोमीटर। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि हमें इसकी इमेज लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट SGR स्टार इज ओनली 1,000th ऑफ द साइज ऑफ M87। M87 का ये 1,000th हिस्सा है या फिर 1,000th पड़ता है। सेकेंड बात है, द लाइन ऑफ साइट इज ऑब्स्कर्ड बाई ए लॉट ऑफ मैटर, कई सारे मैटर बीच में आ जा रहे हैं। एंड SGR स्टार इज मच स्मॉलर देन M87। दूसरी बात, इससे ये छोटा है, छोटे का इमेज लेना और भी मुश्किल हो जाता। द गैस स्विरलिंग अराउंड इट्स टेक्स ओनली मिनट टू कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड SGR एज अपोज टू टेकिंग वीक्स टू अराउंड M87। गैस जो इसके चारों ओर है चक्कर लगा रही है, थोड़े से टाइम में ही इसका चक्कर लगा लेती है, लेकिन M87 में सप्ताह भर का टाइम लगा लेती है।